विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु नियुक्त मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हुआ। ये प्रशिक्षण आगामी 18 नवंबर तक चलेगा। बाड़मेर जिला मुख्यालय के राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और MBC राजकीय महिला महाविद्यालय में इस द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं VVPAT का अलग अलग सत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के बाद युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान के आदेशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए जारी की गई प्रशिक्षण कार्य योजना के अनुसार नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का द्वितीय 4 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को दूसरे दिन भी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में जारी रहा। 4 दिनों तक यह प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित सैद्धांतिक प्रशिक्षण पावर पॉइंट के माध्यम से तथा EVM और VVPAT प्रक्रिया से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को सैद्धांतिक और EVM VVPAT का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के पुराने भवन में EVM और VVPAT का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया तो नए भवन में सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। वही राजकीय कन्या महाविद्यालय में अलग अलग कक्षों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पार्किंग, मतदान अधिकारियों के चाय, भोजन, पानी समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान अधिकारियों को बाड़मेर शहर से इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाने और वापस लाने के लिए निःशुल्क वाहनों की भी व्यवस्था की गई। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के साथ ही कर्मचारियों के मतदान की प्रक्रिया का भी संपादन किया जा रहा है। कन्या महाविद्यालय परिसर में मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों के लिए अलग से मतदान केंद्र की स्थापना की गई है, जहां मतदान कार्मिकों को कागजी कार्रवाई पूर्ण कर मतदान करवाया जा रहा है। मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण को लेकर गुरुवार को प्रशासन के साथ ही पुलिस और अन्य संबंधित विभाग भी सक्रिय नजर आए और इन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को बखूबी अंजाम दिया।